सोला को घर चलने के लिए कहता है, पर सोला को होंगजो के लिए इंतजार करना था क्योंकि होंगजो ने प्रॉमिस किया था वो आएगा। जेसुन उसे बार बार समझाता है कि वो नहीं आने वाला, पर सोला जेसुन को अकेले ही लौट जाने के लिए कहती है। जेसुन भी सोला के विश्वास के साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप जाने लगता है। सोला इंतजार करती जाती है, पर होंगजो को तो ये आदमी पिंजरे में बंद कर देता है। जेसुन चलते चलते उसके पैरों से पीचिस की कैन टकराती है, तब उसे याद आता है होंगजो ने उससे पूछा था पीचिस कहाँ मिलते हैं। जेसुन को होंगजो का लॉकेट भी वहीं पड़े हुए मिलता है। वो आसपास होंगजो को ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलता। फिर से वो सोला के पास जाके इस बारे में बताता है तो सोला जल्दी वहाँ से जाने लगती है। सोला घर में और जेसुन बाहर ढूंढने लगता है, पर होंगजो कहीं भी नहीं मिलता। सोला को परेशान देख जेसुन कहता है हो सकता है किसी ने उसे छुड़ाया हो, इस बार वो उसकी हेल्प करेगा उसे ढूंढने में, और उसे ढूंढना ही होगा क्योंकि वो कोई आम बिल्ला नहीं है। अगले दिन वो दोनों सबको पोस्टर देने लगते हैं, पर किसी को इंटरेस्ट नहीं होती उस पोस्टर में। बाद में वो जब दीवार पे उस पोस्टर को चिपकाने जाते हैं तब वहाँ और भी सारे बिल्लियाँ घूम जाने वाली पोस्टर देखने को मिलती है। फिर वो दोनों इस आंटी जी से पूछने आते हैं इस बारे में। आंटी जी उन्हें एक आदमी के बारे में बताती है जिसे बिल्लियों से बहुत लगाव है। वो उन्हें खाना देता है, अगर चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल भी लेके जाता है। उनके पूछने पे आंटी जी उन्हें बता देती है वो कहाँ पे काम करता है। ये दोनों उसके काम की जगह पे पहुँच जाते हैं, पर उन्हें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जाता। ये आदमी फिर से बिल्लियाँ छुड़ाने का काम कर रहा होता है। उसी रास्ते से जेसुन और सोला भी आने लगती है। इस आदमी को देख जेसुन उसकी पोटली को देखना चाहता है क्योंकि उसे उस पे शक हो रहा होता है, पर वो आदमी सोला के हाथ में पोस्टर देख के उन्हें ही बातें सुनाने लगता है कि वो अपने बिल्ली को संभाल नहीं पाई। जेसुन को छींक आने लगती है तो वो श्योर हो जाता है उसकी पोटली में बिल्ला ही है। तब ये आदमी भागने लगता है, ऐसे में उसके हाथों से पोटली गिर जाती है और ये दोनों उस पोटली के अंदर बिल्लियों को देखते हैं। तब जेसुन और सोला मिलके उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो अपने घर चला आता है। उसके मकान मालकिन उसके कमरे से दिन भर बिल्लियों की आवाज आने से कंप्लेंट करने आती है, पर वो तो उनके मुंह पे दरवाजा दे देता है। सोला और जेसुन उसके घर के आसपास आके एक जगह वही पोस्टर देखते हैं जो उस आदमी के काम की जगह पे लगा हुआ था। उन्हें शक होता है कि वो यही कहीं आसपास रहता है। उस तरफ सोला के आसपास होने से होंगजो इंसान बन जाता है। वो आदमी होंगजो को देख के हैरान हो जाता है कि वो अंदर कैसे आया। होंगजो उन सारे बिल्लियों को उसे छोड़ देने के लिए कहता है, पर वो बिल्लियों के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। वो उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहता था। एक्चुअली ये आदमी बिल्ला नहीं है, ये पूरे दिन बिल्लियों के साथ रहता है तो उसमें से भी बिल्लियों की स्मेल आती है। होंगजो जब पिंजरा खोलने लगता है तब ये आदमी उसमें चाकू से वार करने लगता है जिससे होंगजो के हाथ में चोट लग जाती है। ऐसे में सोला और जेसुन आ जाते हैं और उसे दरवाजा ना खोलते देख मकान मालकिन डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलती है। सोला होंगजो को इंसान बने रहते देखने से पहले ही जेसुन उसका मुँह अपनी तरफ कर लेता है। फिर होंगजो भी बिल्ले के रूप में आ जाता है। ये आदमी उसे अपनी आँखों से इंसान से बिल्ला बनते हुए देखता है। होंगजो को चोट लगने की वजह से उसे डॉक्टर के पास ले आया जाता है। एक दिन के लिए उसे वहीं पे रखा जाता है। सोला घर आके इंसान होंगजो के कमरे में जाती है वो आया है या नहीं ये देखने के लिए। फिर वो जब नीचे आने लगती है तब वो उसे देखती है। होंगजो से रहा नहीं जाता तो वो उसी रात डॉक्टर के वहां से घर चला आया होता है। वो सोला से माफी मांगता है अपना प्रॉमिस ना रख पाने के लिए, पर सोला उस पे रूठी होती है और वो अपनी किस्मत से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता है और फिर एक दिन अचानक से उसकी जिंदगी से डिसअपीयर हो जाते हैं। होंगजो भी सोला का जवाब नहीं दे पाता है कि वो कहाँ था, इसीलिए सोला उस पर रूठी होती है। सोला अपने कमरे में चली जाती है और होंगजो उसके कमरे के बाहर बैठा रहता है। अगले दिन ये दोनों बात कर रहे होते हैं। होंगजो सोला के लिए अपनी फीलिंग्स जेसुन के साथ शेयर करने लगता है। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा होता है सोला के लिए। एक तो वो इंसान रहते उसका प्रॉमिस नहीं रख पाया और ऊपर से बिल्ला होके भी पूरी रात सोला को उसकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ी। किसी भी रूप में वो सोला को कम्फर्ट नहीं कर पाया। जेसुन एक बिल्ले के मुँह से ये सब सुन के हैरान होने लगता है। वो होंगजो से
कहता है अगर वो नहीं होता तो वो फिर कभी घर नहीं लौट पाता और उसने उसे एक बार भी थैंक यू नहीं कहा। होंगजू उसे बचाने के लिए नहीं पर उसके एब्सेंस में सोला का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है। जेसुन कहता है वो सोला के साथ हमेशा से ही था। होंगजू ये सुन के थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब होंगजू के पास तो कोई फोन नहीं होता पर सोला को उसका खबर भी लेना होता है तो उपाय बस एक ही था और वो था जेसुन। सोला दिन में 3-4 बार जेसुन को फोन करके इनडायरेक्टली होंगजू का खबर लेती है। लास्ट बार जेसुन को समझ में आ जाता है उसके फोन करने का इरादा तो वो कहता है होंगजू नहीं है उसके साथ, वो ट्रिप में गया है। तब सोला खुद ही देखने चली आती है। जेसुन कहता है उसको इस बात से डर है ना कि कहीं होंगजू भी उसकी तरह चला ना जाए। सोला तब क्या एक्टिंग करने लगती है डिनाई करने की। जेसुन उसे परेशान होता देख होंगजू का लाया हुआ पीचेस देता है। तब सोला को याद आता है उसी ने कहा था उसकी मॉम को पीचेस बहुत पसंद थे। फिर उसे ये भी समझ में आता है कि इसे लेने के लिए ही वो उस दिन नहीं आ पाया था। जेसुन कहता है उसने कहा था अगर उसकी जिंदगी में कोई आता है तो वो सच्चा दोस्त बन के दिखाएगा पर अगर वो होंगजू है तो वो उसका अप्रूवल नहीं देगा। सोला जब घर आती है तब होंगजू को देख के उसे इतना शांति मिलती है कि मैं क्या ही बताऊं। बाद में ये दोनों यहाँ पे बैठ के पीचेस खाते हुए बात करने लगते हैं। सोला होंगजू को थैंक यू कहती है। वो जब होंगजू से पूछती है रात में वो घर क्यों नहीं आया था तब होंगजू कहता है कि वो रास्ते में ही सो गया था। सोला को खाते खाते कुछ ऐसा हो जाता है तो होंगजू सोला के होंठ अपने हाथों से पोंछने लगता है जिससे सोला की हालत खराब होने लगती है। वो बिल्ला होंगजू को लाने क्लिनिक जाने लगती है तो होंगजू उसे रोकता है और कहता है वो ऑलरेडी उसे घर लेके आया था। वो जल्दी से घर आ जाती है होंगजू को देखने के लिए और होंगजू भी जल्दी से बिल्ला बन के आ जाता है। सोला की स्टेप मदर बहुत खुश होती है सोला और उनका बेटा ठीक से रह रहे हैं सुनके। बातों ही बातों में वो सोला को ये एहसास करवाती है कि वो और उनका बेटा भाई बहन होते हैं, दोनों ही एक ही फैमिली के हैं। सोला को अब ये चिंता खाए जाने लगती है। उसे समझ नहीं आता वो अपने पापा से स्टेप मदर के साथ रिश्ता तोड़ देने के लिए कहेगी या फिर खुद होंगजू के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। अब आते हैं गोडू की लव स्टोरी में। योनजियोन गोडू के में खाना खाने आती है। गोडू की मम्मी उसके स्लोनेस से बहुत परेशान थी। वो जब भी खाना खाने आती है इतनी धीरे धीरे खाती है कि सबको इरिटेशन होने लगती है। थोड़ी देर बाद गोडू भी खाना खाने के लिए आता है तो वो योनजियोन को देख के हैरान होने लगता है कि वो उसके रेस्टोरेंट में क्या कर रही है। योनजियोन के सर पे तो जैसे बिजली गिरती है। हमें गोडू की मम्मी से पता चलता है कि वो उन्हीं के ऊपर वाले रूम में भाड़ा रहती है। तब गोडू को भी बहुत बड़ा शौक लगता है। बेचारी वहां से भाग के चली जाती है। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बाद में गोडू को पता चलता है सोला को योनजियोन के फीलिंग्स के बारे में पहले से ही पता थी। गोडू सोला से कहता है उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। वही होंगजू को छोटू से ये आइडिया मिलता है कि कॉफी पीने से नींद नहीं आती। बाद में होंगजू सोला से भी कहता है उसने रास्ता ढूंढ लिया है ना सोने की, अगर वो चाहती है वो उसके साथ पूरी रात रहे तो वो रह सकता है। लो ये बात तो उसने साफ सुथरे मन से कहा होता है पर सोला तो उल्टा सीधा ही समझ रही होती है। सोला को गोडू से पता चला था योनजियोन उनके वहाँ रहती है तो वो होंगजू के ये बात सुन के वहाँ नहीं रह पाती है और योनजियोन के पास चली आती है। होंगजू जब जेसुन को कॉफी वाली बात बताता है तब वो उसे कॉफी पीने से मना करता है। होंगजू सोला के चले जाने के बारे में क्यूरियस होता है तो जेसुन कहता है वो उसके साथ शायद अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। होंगजू इसका रीजन पूछता है पर जेसुन उसे नहीं बताता। उस तरफ ये दोनों ही बात करते करते अपनी अपनी रीजन की वजह से रोने लगती है। अगले दिन होंगजू नींद की वजह से इंसान नहीं बन पा रहा होता है। जेसुन उसे बार बार उठाने की कोशिश करता है काम करने के लिए पर उसे बहुत नींद आ रही होती है। वैसे वो बिल्ला बनके भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा होता है। जेसुन भी तब उसे वैसे ही रहने देता है। योनजियोन उस दिन से मतलब गोडू को रबर मिलने के दिन से ऑफिस नहीं आ रही थी पर बहुत दिन बाद वो आज ऑफिस आती है। गोडू उसके फीलिंग से वाकिफ था पर फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शायद योनजियोन उससे दूर भागती थी इसीलिए उसको भी हिम्मत नहीं मिल पा रही थी। तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। फिर योनजियोन थोड़ी देर के लिए ताजी हवा खाने बाहर जाती है। उसकी मुलाकात फिर से होंगजू से हो जाती है। योनजियोन सोला को बुलाने की बात करती है पर होंगजू मना करता है। रास्ते में योनजियोन की ड्रॉ किया हुआ पोस्टर्स सभी फेंकने लगते हैं तो वो उन पोस्टर्स को कलेक्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद गोडू आता है और ना जाते हुए भी योनजियोन के लिए वो भी कलेक्ट करने लगता है। बाद में योनजियोन सोला को होंगजू के आने की बात बताती है तो सोला नीचे आ जाती है देखने के लिए। होंगजू वहां नहीं होता पर
सोला वही बैठ के अकेले में बात कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो होंगजू को देखती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। होंगजू कहता है वो उसके होने से अनकंफर्टेबल फील करती है, तो इसीलिए वो किसी और के पास जाके रहने वाला है जिसे वो पसंद करता है। ये कहते हुए वो जाने लगता है। सोला तब सोचने लगती है वो किसे पसंद करता है और अपसेट भी होने लगती है। घर आके वो बिल्ला होंगजू की केयर करने लगती है और उससे अपने दिल की बातें शेयर करने लगती है। सोला उसके स्टेप ब्रदर का नाम लेके कहती है अगर वो नहीं होता, अगर वो कोई और होता तो वो उसे लाइक कर सकती थी, वो उसे कह पाती कि वो उसे कितना पसंद करती है। होंगजू तब जल्दी से बाहर जाने लगता है। सोला उसे ढूंढने बाहर आती है पर वो इंसान होंगजू को छत पे देखती है। तब होंगजू उसे अपने पास बिठाने लगता है। सोला होंगजू से पूछती है वो किसे पसंद करता है। तब होंगजू सोला की तरफ देखते ही जाता है। सोला उसे स्टेप ब्रदर का नाम लेके पुकारती है तो होंगजू कहता है वो नहीं है। सोला पूछती है तो वो कौन है। होंगजू तब अपना नाम लेते हुए सोला को धीरे से किस करता है।